क्यों? माँ रुक्मणी जी ने दिया जामवंती को श्राप। दरअसल बात उस समय की है जब श्री कृष्ण पर सामंतक मणि चोरी करने का आरोप था और वे उस कलंक को झूठा साबित करने हेतु सामंतक मणि ढूंढने गए थे, जहां उनका युद्ध जामवंत जी से हुआ और जामवंत जी युद्ध में पराजित हो गए थे। तब जामवंत जी ने प्रभु को सामंतक मणि लटाई तथा जामवंती से विवाह करने का आग्रह किया, जिसे श्री कृष्ण ने स्वीकार किया था। परंतु रीछराज की कन्या होने के कारण उनका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था। तब श्री कृष्ण ने लीला दिखाते हुए जामवंती से कहा कि जब तक मैं न कहूँ अपना मुख किसी को मत दिखाना। जामवंती जी ने ऐसा ही किया और जब देवी रुक्मणी ने जामवंती जी को अपना मुख दिखाने हेतु कहा तो उन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें अपना मुख नहीं दिखाया। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं कि जामवंती आपसे भी बेहद खूबसूरत है, जिस कारण मुझे उससे विवाह करना पड़ा। इस पर रुक्मणी जी ने एक बार फिर जामवंती जी को उनका मुख दिखाने हेतु कहा, परंतु इस बार भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिस कारण रुक्मणी उन्हें श्राप देती है कि तुम मेरी जितनी ही खूबसूरत होगी, ना मुझसे ज्यादा ना मुझसे कम। इसके बाद श्री कृष्ण माता रुक्मणी से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यही तो मैं चाहता था, और इस तरह जामवंती जी को मिल जाता है। उनका सुंदर रूप माता रुक्मणी का श्राप भी वरदान का ही काम करता है। तो अवश्य कमेंट करें। जय श्री रुक्मणी श्याम, जय श्री राधे।